यहाँ एक होते हैं जिससे जी तो जी में इस वजह से लोग अवॉइड करते हैं इसको छूने में जी जी तो छूने से अवॉइड करते हैं और इसका फ्रूट भी अच्छा होता है इसको प्रिकली पियर कहते हैं इंग्लिश में और लोग इसको खाते हैं लेकिन यहाँ लोग इसकी अहमियत को नहीं जानते तो जब जाएंगे अगर जी, पके हुए हैं तो इसके बारे में आपको बता दूंगा कि इसकी अफादियत क्या है और इसमें क्या क्या विटामिन होते हैं तो इन इस बारे में मैं आपको बता दूंगा हो सकता है कि लोग इसको लगे यहाँ लगता है बहुत और वो नज़र आ रहे हैं सुर्ख सुर्ख मेरे ख्याल में तकरीबन ये यहाँ के गरीब है यहाँ बिल्कुल सर बिल्कुल वो देखो जी सर जी बिल्कुल करीब गाड़ी खड़ी करेंगे कि यहाँ से कोई फिर वो प्रोग्राम प्लांट को देख रहे हैं आप जी माशाल्लाह सर इसको इंग्लिश में कहते हैं कैक्टस कैक्टस जी, जी और इसका जो फ्रूट है सुर्ख नजर आ रहा है जी, जी। इसको कहते हैं पिकली जी, तो इसके बड़ी अफादियत है अब हम ज़ीदी में ये ज़ीदी का कौन सा इलाका दारा इलाका है ये खौरी बिद्दा तो यहाँ से जब गुजरते हैं सिंध की तरफ ना ये ये राइट साइड पे जीदी में खौरी जी, बिदा के पास ही ये कैक्टस के बहुत से प्लांट नजर आ रहे हैं और इस वक्त इनका सीजन है पकने के तकरीब पंद्रह से बीस फीसद ये पक चुके हैं बाकी ये पकने के करीब है अफ्रीका में ये प्लान बहुत ज्यादा होता है और ये वाटर रेजिलियट है और पानी कम पीता है कम पीता है और इसकी दूसरी बड़ी खूबी ये है कि ये ग्रो भी तेज़ी से करता है फैलता भी ये है और अफ्रीकी मुमालिक इसको ग्रो कर रहे हैं और इससे बहुत इनकम जनरेट कर रहे हैं और फिर अरब मुमालिक दूसरे मुमालिक को फिर ये एक्सपोर्ट करते हैं और फ़ारन एक्सचेंज कमा रहे हैं तो यहाँ ये पौधा अभी लग चुका है और इसके फल भी पक चुके हैं पकने वाले भी हैं इट मीनस के हमारे इलाकों में ये बहुत होता है और ये हमारा इन्वामेंट इसको सूट करता है हाँ तो हमें चाहिए कि हमारे फार्मर्स सरे, को बिल्कुल सर इसके लिए भी बेहतर होगा सर अगर हाँ कि इसकी, फार्मर्स इसकी समझो प्लांटेशन अच्छी से उत्तर रख सके जिस तरह की होनी चाहिए अफ्रीमी अफ्रीकी ممالک में अपने क्या के हो रहे हैं ये तो होता है आप सर्च करें गूगल और यूट्यूब पे तो आप देखेंगे मैं पिछले साल भी यहाँ आया था एक दुबई का एक दोस्त मेरे साथ था गुजरे उनको देखा, उनको देखा, में फ्राम अफ्रीका हम लोग आ गए यहाँ तोड़ा इसकी जूस भी बनाए हमने और फिर इसकी अफादियत मैंने नेट पे सर्च किया है फिर यहाँ के लोग है और यहाँ के मेरे ख्याल में लोगादियत के बारे में पता नहीं है अब ये ब्रोही लोग बात करते हैं तो इनसे पूछेंगे कि इसको क्या کې ته کېټس کو په خپلې ژبانه بالکل څنګه ته موږ جوړوس ډاک صاحب خیریت څنګه ښه دا را کې انت نه ما علاقه بس خو نن ته داب انت رښتین پرینم پدای دادي نن براویټ پانا کار بوټي کار بوټي ها ته دادي کو نه کوم پرینم دادي مو دوای څه کی استعمال کیرا باقی مطلب عام کوم پرینم انت دادي پتره خلیریاته پتره ته بس کس چا کتن د نا مزه داسره د نا خبر به هفته انسه کې جوړ مری او ماته مچ ټکادو د ټیسټي کې ګلاس به را پېښ نه 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 کا دی را کا پېښ نه تو خو نه نو نیټه او کتابت خو نه ګټه اچار نه د استعمال کتر نه د واکفیا د زیاده افنه هاونه جی او تو دا سا اگې ی نه دانا پاو ګلاس بار ته ولا کني لګي کني ستینټ کوست جی الله سر ډاکټر صاحب به غرامت او حد دوي سه بنا کو نه نه كونینګ به جو نه ولا ګټه بنګوري کومبو ته به جو نه مسید به سې مرو د سپون کنت سات نه دا फायदा کورډور پر کورډا څنګه ته تا کې नाना बिरा भी उर्दू चाह रहा है पूरा, पूरा पाकिस्तान चाहे के मुफ्त खबर तम कि फ़ायदा कम तो ना इलाकेटर कोई जोड़े करो तो एजाज भाई अब इसकी अफादियत के बारे में आपको बताऊँगा ये है कैक्टस और ये जो है एक्सीलेंट सोर्स है विटामिन सी का विटामिन सी इंसान के जिसम की में अगर कमी हो ना फिर स्किन प्रॉब्लम होता है इंसान में खारिश वगैरह इरीटेशन ये होता है तो और जबड़े जो कमज़ोर हो जाते हैं इंसान के दांतों में मसला हो जाता है विटामिन सी इसकी ये इस बड़ा सोर्स है विटामिन सी का और फिर ये है ये इम्यून इम्यून बूस्टर है इंसान एक कुत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है इंसान के जिसम में अगर कुवत इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो बीमारी उनके खिलाफ वो फिर उसका जिसम बीमारी के खिलाफ फाइट करता है ठीक है इंसान बीमार नहीं होता जल्दी फिर ये जो कैक्टस है ना इसका दूसरा फायदा ये कि ब्लड सेल को बढ़ाने में मदद देता है जब ब्लड सेल इंसान में जिसमें हो तो फिर इंसान हमेशा रहे सेहतमंद रहेगा फिर रहे इसकी एक चौथी खूबी ये कि विटालिन और पोटाशियम इसमें होता है फिर इसका, इसका फायदा क्या है कि ये जो है डाइजेशन सिस्टम है आपका ये निज़ाम हाजमा जो चीज़ खाओगे जल्दी हजम होगा इंसान जो खाए हज़म ना हो फिर क्या फायदा फिर बडल ब्लड नहीं बनेगा इंसान ताकतवर नहीं बनेगा ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और फिर ये क्या है कि एंटी भी है यानी कि जितने भी वायरस है जितने जी भी जरासीम है जो इंसान को बीमार करते हैं उनके खिलाफ ये जरासीम कुछ है ठीक है तो इसको खाना चाहिए बिल्कुल सर। तो ये फिर कोलेस्ट्रोल को भी रिड्यूस करता है जो मोटे लोग नहीं होते जी जी जी। वो अपने मोटापे से परेशान है अगर इसको खाए चर्बी घटाने के लिए फिर ब्लड प्रेशर होता है शुगर होता है हार्ट अटैक भी होता है तो इनको बचाने में ये मदद देता है अगर इसको कोई खा ले

इसकी रैपिड ग्रोथ है जल्दी ग्रो भी जी करता है जी सर। तो फिर इसको खा ले सीजन में सर। मजा करे इसका जूस भी है। बनता है मैंने जूस इसका बनाया है और फिर जो कुछ ऐसे लोग हैं सनलाइट से नफरत करते हैं वो फिर मतलब सनलाइट उनको बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त नहीं होता उनको आंखों को बर्दाश्त होता स्किन को बर्दाश्त नहीं होता उनके लिए भी अच्छा है ये खा ले उस बीमारी से भी फिर उनको इंशाल्लाह दूरी मिलेगी और फिर एक है

फिर ये जो आ, कभी कभार इंसान खौफ की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से स्वीटिंग हो जाती है पसीना आ जाते जैसे जिसमें ये भी किस्म की बीमारी है वैसे पसीने गर्मी की वजह से नहीं जी, जी, जी। भाई सर्दी में कभी कभार पसीना आ जाता है पसीना आ जाते वो एक बीमारी होती है इसको भी ये दूर करता है स्वीटिंग को भी और ये जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं जी जी उनके लिए भी अच्छा है आजकल तो ब्लड प्रेशर का आ, मरीज आम तो है और ये सारी तो खूबियाँ मैंने बता दी लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं तो ये खूबियाँ मैंने बता दी साइड इफेक्ट्स भी मद्देनजर रखकर तो अगर इसको कोई यूज करे उसको भी जहन में रखे साइड इफेक्ट्स क्या है ये जो है डायरिया को बढ़ाता है दस्ता साल अगर ज्यादा खाया इंसान इसने जी, जी, तो दस्त भी हो जाता है दस्त फिर न, दस्त हुआ उसके बाद फिर इंसान का जिसम का पानी वो निकल जाता है जी जी फिर डिहाइड्रेशन हो जाता है जिसम की खुश्ती हो जाती हो तो है तो इसको ज्यादा खाने से बंदा अवॉइड करे ठीक है और की खाना जरूर अगर ज्यादा खाया उल्टी भी हो सकती है आपको फिर में प्रेशर पैदा हो जाता है उसकी वजह से फिर आपने जो चीज़ खाई है वो हो सकता है आप निगल वापस निकाल ले तो ज्यादा खाने से उल्टी भी हो सकती है जी जी और फिर ये ब्लोटिंग भी होता है ब्लोटिंग मीन पेट में गैस भी पैदा करता है ज्यादा खाने से जी जी। क्योंकि इसके बीज होते हैं ना वो जी। फिर सख्त होता है फिर मसला हो जाता है तो इसको अगर इंसान खाए तो तरीके से खाए मुनासिब तरीके से खाए हर चीज़ की ज्यादाती इंसान को नुकसान देता है इंसान को हमेशा मॉडरेट होना चाहिए जिंदगी में ठीक है हाँ और ये हार्ट बर्न होता है उसको भी बढ़ाता है अगर ज्यादा खाए जिसको हम लोग के क्या कहते हैं गौर सोच के में अपनी जबान में हार्ट पर ठीक है सोजिश सोजिश कहते हैं उसको भी बढ़ाते हैं तो इन चीजों से आ, ये इसके साइड इफेक्ट हो गए लेकिन फ़ायदे इसके ज़्यादा है जी इसको जी जी आप हमारे आप, अपने आप, इलाके में लगाना चाहिए और ये लोग अभी हमारे पास ही है इनके इलाके में जी 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 ये सिर्फ कहते हैं कि भाई बाहर के लोग आ जाते हैं ले जाते हैं हमें नहीं पता अभी इनको भी पता चला कि आंदा ये भी इसको खाएंगे लेकिन मुनासिब तरीके से खाएंगे साइड इफेक्ट्स को जहन में रखकर फिर इन शह ये लोगों को फायदा देगा ये जो इलाके वाले हैं ये भी इसको मज़ीद ग्रो करेंगे और इससे ज़्यादा फायदा उठाएंगे और जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं इनको भी पता चला तो इससे भी कोशिश करेंगे अवॉइड करेंगे ठीक है तो बड़ी मेहरबानी नहा बाज मनतवार खनान फ्रूट आते खनान और मखलूक बनो दा दा बाजू लगे आसानी और टेलो साल करिए तो मखलूक कमाई करे दादा पेन कमाई है बसें तो बलोई तसे और सही है बाद मिनतवार अंता ले जोड़ रहे ठीक ठाक